लेजेंडरी पोको एफोन डिवाइस के लिए हाइपरओएस 1.0.2.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट जो है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में इस अपडेट का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाइपरओएस का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। एंड यहाँ पर हाइपरओएस के साथ सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, जितने भी कस्टमाइजेशन फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने हाइपरओएस 1.0.2.0 पोकोओएस का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर जनवरी 2024 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो बिल्ड है यहाँ पर इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, प्लस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हाइपरओएस का जो है डायलर एनर देखने को मिल जाएगा, तो आप जो है कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर हाइपरओएस का जो डायलर है एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड MIUI कैमरा भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर HDR मोड का ऑप्शन है, AI कैमरा का जो फीचर्स है अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर नाइट मोड देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, ब्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सभी ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है 4K 60fps का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। तो कैमरा एप्लीकेशन के साथ सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, प्लस SD कार्ड भी यहाँ पर काम कर रहा है। नया वाला जो चार्जिंग एनिमेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, वॉल्टी, मोबाइल डेटा, 4G कॉलिंग सभी जो ऑप्शन से काम कर रहा है। कनेक्टिविटी के साथ आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर कस्टम कर्नल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है इस रॉम के साथ, तो आप सिंपली यहाँ पर पार्मिशिप के साथ जो है कस्टम कर्नल को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। पोको एफ1 डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है इसलिए। एंड यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस की अगर बात करें, ऑटो ब्राइटनेस काम कर जाएगा, बट अभी जो है कम्प्लीटली फिक्स नहीं हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर मैनुअली ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम काम करेगा, बट कुछ कुछ टाइम शायद काम ना करे, तो चीज़ ध्यान में देना होगा। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो है पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, डिपेंड करता है आप कौन कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो। यहाँ पर एडिशनल फीचर्स को ऐड किया गया है, सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। बैटरी ड्रेन की अगर बात करें, हमारे पास जो डिवाइस है इसका जो बैटरी हेल्थ है इतना अच्छा नहीं है, लगभग जो है यहाँ पर 5% के आसपास जो है बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओवरऑल जो है बैटरी बैकअप के साथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इवन परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बूट लूप का इशू देखने को मिल रहा है, तो सिंपली जो पावर बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिवाइस है यहाँ पर बूट हो जाएगा, कोई भी बूट लूप का जो इशू है देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड हाइपरओएस के साथ डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी फास्ट एप्लीकेशन जो है पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर हमने सभी फ़ोन में चीज़ नोटिस किया है, हाइपरओएस के साथ जो है जो ऐप ओपनिंग स्पीड है काफ़ी सही देखने को मिलता है। एनीवे यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1949 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है पोको A1 डिवाइस के साथ। तो वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया है। गीकबेंच 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 518 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 2093 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर
सिंगल कोर के साथ जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। एंड गीकबेंच 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 562 एंड मल्टी कोर के साथ 2003 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल गया है सिंगल कोर के साथ, प्लस मल्टी कोर के साथ भी एवरेज से ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ कोई भी इशू नहीं है। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है फुल का सपोर्ट है, यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। यहाँ पर जेमिनी एआई भी काम कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पर हाइपरओएस के साथ ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर थीम्स को इम्पोर्ट करने का जो ऑप्शन से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो अपडेट है ग्लोबल स्टेबल अपडेट के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है राइज टू वेक अप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेक अप का ऑप्शन है, लॉन्च कैमरा का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है एनिमेशन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, होम स्क्रीन लेआउट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है ये सभी फीचर्स को ऐड किया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया था, काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। सिंपली टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है। बाकी यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है यहाँ पर 100 मोड का ऑप्शन है, प्लस फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एलईडी लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ हमने नोटिस किया है, अगर आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस का जो वॉल्यूम है उसे जो है कुछ कुछ टाइम जो है पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ हमने नोटिस किया है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जो है यहाँ पर वॉल्यूम के साथ इशू देखने को मिलता है एंड कुछ कुछ टाइम शायद कनेक्ट भी ना हो। इसके अलावा हमने कोई भी मेजर इशू को नोटिस नहीं किया है हाइपरओएस 1.0.2.0 अपडेट के साथ। यहाँ पर हाइपरओएस का जो है डायलर देखने को मिल जाएगा, नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस जो वॉल्यूम पैनल है वॉल्यूम पैनल के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। एंड पावर मेनू की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पावर मेनू देखने को मिल जाएगा। एंड हाइपरओएस के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, इस तरह से आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर पाओगे, अलग अलग फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट कलर्स भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली पोको एफ1 डिवाइस के ऊपर हाइपरओएस 1.0.2.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट को ट्राई करके देख सकते हो, काफ़ी सही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया है, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर रहा है। एंड यहाँ पर गैलरी के साथ भी इस भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर स्काइप फिल्टर का ऑप्शन है, इरेज ऑब्जेक्ट का जो फीचर से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस अपडेट को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।